मानवता का ह्रास, मानवता का पतन सामान्य रूप से देखने में बड़ा आसान लगता है। इतना आसान कि इसे हम कोई महत्व नहीं दे पाते और हमें पता भी नहीं चलता कि कब हम उसे यूं ही बातों बातों में दिन रात की चर्चाओं में दिन रात की आपाधापी में उसे नज़रअंदाज कर देते हैं। यह सच है, मानवता के ह्रास को नज़रअंदाज करना जितना आसान लगता है उतने आसान इनके परिणाम नहीं होते। उतनी आसानी से भुला देने वाले उनके परिणाम देखने को कभी नहीं मिलते। अधिकांश बार ऐसा ही होता है, मानवता के ह्रास को विस्मृत कर देना, नज़रअंदाज कर देना, भुला देना बहुत आसान होता है, परंतु परिणाम बड़े बड़े भयावह होते हैं, बड़े ही खतरनाक होते हैं। परिणाम बहुत ही बेचैन, व्याकुल और दुखी कर देने वाले होते हैं। यदि समाज के सभी लोग मिलजुल कर इस प्रकार से मानवता के पतन के मानवता के ह्रास को नज़रअंदाज करना छोड़ दें, सब मिलजुल कर इस तथ्य पर संवेदनशील हो जाएं, संवेदनशील होकर एकत्रित होकर एकजुटता के साथ उनका प्रतिकार करें, उन्हें अस्वीकार करें, तो मुझे लगता आसानी से उन उलझनों का, उन समस्याओं का हल निकाला जा सकता है। परंतु अपने अपने निहित स्वार्थ को लेकर हम सब इतने व्यस्त हैं, अपने अपने मतलब को हल करने के लिए भौतिकता की चकाचौंध के वशीभूत होकर हम ऐसे दिन रात उलझे हैं कि हमें कुछ भी पता ही नहीं चलता, हमें कुछ होश ही नहीं रहता। जब एक व्यक्ति मानवता के ह्रास से प्रभावित हो रहा होता है ना, तो हम में से ही हम लोग या अन्य लोग उनका उपहास करते हैं, कहते हैं हमें क्या, हम यह नहीं सोचते यदि आज यह व्यक्ति इस समस्या का शिकार हुआ है तो कल हम भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। इसलिए हमें इस बारे में सजग होना होगा, हम इस बारे में खुद को जागरूक करें। हम सब अपने अपने आप को, अपने अपने खास सगे संबंधियों को, अपने हितैषियों को, अपने खास खास लोगों को
मानवता के ह्रास को रोकने के लिए प्रोत्साहित करें, उन्हें उत्साहित करें, उनकी हिम्मत बढ़ाएं। धीरे धीरे एक एक कर, दो दो कर, और धीरे धीरे संख्याएं बढ़कर अनेकों लोगों की यह संख्याएं हो जाएंगी। फिर इन उलझनों की, इन समस्याओं की गतिविधियों की सुलझाने की प्रक्रियाएं हम आसानी से आगे बढ़ा सकेंगे।